अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि क्या आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट को रोशन डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर जब आप पाकिस्तान विजिट करेंगे तब आप अपने बैंक की ब्रांच के थ्रू अपने नॉर्मल अकाउंट को रोशन डिजिटल अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डॉलर में अकाउंट ओपन करवा लिया है और आप उस अकाउंट की करेंसी चेंज करवाना चाहते हैं, यानी डॉलर से रुपीस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या फिर किसी और करेंसी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो क्या ये मुमकिन है? ये कुछ कॉमन इश्यूज़ हैं जिनके बारे में बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जानना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम बातों की वजाहत की जाएगी। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर मालूमती वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। चाहे आपका नॉर्मल अकाउंट बना हुआ है या फिर रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन है, आप अपने नॉर्मल अकाउंट को रोशन डिजिटल अकाउंट में या रोशन डिजिटल अकाउंट को नॉर्मल बैंक अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। इसी तरह से अगर आपका डॉलर में अकाउंट ओपन है या फिर किसी भी करेंसी में अकाउंट ओपन है, तो आप उसे दूसरे करेंसी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन ज़रूर है कि अगर आपका एक बैंक में रोशन डिजिटल का डॉलर अकाउंट ओपन है, तो आप उसी बैंक में अपना दूसरा रुपीस अकाउंट खुलवा सकते हैं और तीसरा और चौथा अकाउंट भी किसी और करेंसी में खुलवा सकते हैं। यानी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि आपको इस हवाले से सेपरेट अकाउंट ओपन करवाना होगा। इसी तरह से अगर आपका नॉर्मल अकाउंट खुला हुआ है, तो आप उसे किसी भी सूरत में रोशन डिजिटल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। पाकिस्तान जाने के बाद आपका रोशन डिजिटल अकाउंट अपनी जगह पर रहेगा, आप पाकिस्तान जाके अपना नॉर्मल बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट में मौजूद पैसे बआसानी निकलवा सकते हैं या फिर उसके थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान आने के बाद आपका रोशन डिजिटल अकाउंट अपनी जगह एक्टिव रहेगा। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं, तो आप इसे रुपीस में ओपन करवाएं, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने और डिपॉजिट करने में काफ़ी आसानी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से ये मुख्तसर सी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।